guys, welcome back to my channel. This is your Sazel and I hope guys you all are good. Guys, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ऑक्सी लाइफ ब्लीच का रिव्यू. मेरी प्यार से सब्सक्राइबर है सूरज श्री ग्लोट, उन्होंने मुझे ये रिव्यू करने के लिए बोला था, तो उनकी स्पेशल रिक्वेस्ट पर आज मैं ये रिव्यू कर रही हूँ ऑक्सी लाइफ नेचुरल रेडियंस वाइल. मे बी शायद बहुत सारे लोग इस ब्लीच को पहले भी यूज़ करते होंगे, लेकिन मेरा भी इसके साथ एक्सपीरियंस नहीं है, तो मैं इसे स्पेशल रिक्वेस्ट पर रिव्यू कर रही हूँ. तो चलिए देखते हैं ये लोग क्या क्लेम कर रहे हैं. फर्स्ट इन्होंने लिखा है ऑक्सी लाइफ, ऊपर इस तरह इसके लिखा है. आपको यहाँ पे पिक्स दिख रहे होंगे, आप प्लीज़ ग्राफिक्स यहाँ से कैच कीजिए. ऑक्सी लाइफ नेचुरल रेडियंस वाइव क्रीम ब्लीच विद पोस्ट ब्लीच स्किन रेडियंस सीरम. ओके, तो इसके बॉर्डर अंदर इसके पोस्ट ब्लीच स्किन सीरम है. ओके, तो इसके बैक साइड पर क्या लिखा है अब मैं वो आपको बताती हूँ. यहाँ पर देख लीजिए आप, इसका नेट वेट जो टोटल वेट है इसका 9 ग्राम है. क्रीम का वेट जो है क्रीम ब्लीच 7 ग्राम, पाउडर एक्टिवेटर 1 ग्राम एंड पोस्ट ब्लीच स्किन रेडियंस 1 ग्राम. ओके, तो इसके इन्ग्रीडियंट्स लिखे हुए क्रीम ब्लीच दैट की इन्ग्रीडियंट्स से क्या है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड. ओके, एंड पोस्ट ब्लीच का जो स्किन सीरम है उसके की इंग्रेडिएंट्स है सी मिनरल्स एक्सट्रैक्ट एंड ऑक्सीफेयर. ओके, एंड पाउडर एक्टिवेटर के है यहाँ पे परसुफ्लेट्स. ओके, परसुफ्लेट्स. ओके, तो ये केमिकल ऑब्वियस सी बात है, तो वो तो जो एक्टिवेटर है वो तो केमिकल होगा गाइस, तभी वो वर्क करेगा हमारे फेस के ऊपर. ओके, ठीक है जी. एंड ये डाबर की मैन्युफैक्चरिंग है जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ पहले ही. उसके बाद इसका जो मैन्युफैक्चरिंग डेट है वो है February 2018 एंड इसे मैं यूज़ कर सकती हूँ 8 2019. दैट मीन टू से 1.5 साल की इसकी जो है ड्यूरेशन पीरियड रहता है यूज़ करने का प्रोडक्ट का. एंड MRP जो है इसकी 38 रुपीज़ है. ठीक है, ओके, यहाँ पे इन्होंने इतना ही लिखा हुआ है, नॉट टेस्टेड ऑन एनिमल्स. ओके, विच इज़ वेरी गुड. ओके, तो ये बोल रहे हैं कि 1 यूज़ पैक है. मैं अब इसकी क्वांटिटी हम देखते हैं, तो फिर मैं देखूँगी कि मैं इसे एक बार यूज़ कर पाऊँगी या 2 बार. लेट्स सी, इन्होंने लिखा है कि एक बार आप इसे यूज़ कर सकते हैं. 1 यूज़ की क्वांटिटी कितनी है. ओके, उसके बाद ये लिख रहे हैं हाउ कैन ऑक्सी लाइफ ब्लीच हेल्प. ओके, तो ये जो है 5 क्लेम कर रहे हैं कि इसके हेल्प से आपकी ये स्किन प्रॉब्लम्स ठीक होती है. फर्स्ट वन इज़ डार्क स्पॉट, सेकेंड वन इज़ अनइवन स्किन टोन. ओके, एंड डल स्किन जो आपके हो चुके हैं, डेड स्किन सेल्स आपके निकल जाएंगे, स्किन टैन आपका उतर जाएगा. ओके, नो एडेड अमोनिया, इन्होंने इस तरह लिखा है. वेरी गुड, बहुत अच्छा. तो चलिए अब हम इसे ओपन करते हैं गाइस. इस तरह ये छोटा सा इसके अंदर से एक ये देखिए स्पैचुला निकलता है जिससे हेल्प से हम लगाते हैं गाइस. उसके बाद इसमें से ये निकला है छोटा एक्टिवेटर. ओके, आपको एक और मज़ेदार चीज़ बताऊँ कि जो एक्टिवेटर की शेल्फ लाइफ होती है वो ज़्यादा है. एक्टिवेटर की शेल्फ लाइफ जो है एग्जैक्टली 2 ईयर्स तक होती है. सिर्फ February 2018 में ये मैनुफैक्चर एक्टिवेटर, आप इसको किसी और तरह से मतलब 2020 तक भी इस्तेमाल कर सकते हो. ओके, ये एक्टिवेटर है. पहले हम एक्टिवेटर का कलर देखते हैं क्या है. एक्टिवेटर का कलर अभी आपको यहाँ पे मैं बाद में दिखा दूँगी. ये पर्पल से कलर करें, लाइट पर्पल. उसके बाद ओके, इतनी सी क्वांटिटी है इसकी ब्लीच की बस, क्योंकि मैंने सबसे छोटी पैकेजिंग ली है, क्योंकि मैं जस्ट चेक करने वाली हूँ कि ब्लीच कितना अच्छे से वर्क करती है, क्या है क्वांटिटी. हम खोल के भी देख लेते हैं गाइस. तो सी सनलाइट की वजह से शायद आपको ना दिखे. ओके, इतनी क्वांटिटी मैं 1 यूज़ नहीं, मैं इसे 2 टाइम यूज़ कर सकती हूँ ईजिली. मैं इसे 2 बार यूज़ कर सकती हूँ, 2 मंथ्स की मेन चल जाएगी. उसके बाद है गाइज यहाँ पे पोस्ट सीरम, पोस्ट ब्लीच सीरम जिसका ये बात कर रहे थे ये. ओके, ठीक है. एंड उसके बाद ये लीफलेट है जिसको हम पढ़ेंगे तो हमें काफ़ी हेल्प मिलेगी. लीफलेट में एक तरफ इन्होंने कुछ नहीं जस्ट लिखा हो कि आपको कैसे करना, हाउ डज ऑक्सी लाइफ नेचुरल रेडियंस सीरम. ओके, तो एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, दैट रिकमेंडेड टाइम, टाइम का कुछ होता है रिकमेंडेड. एक चीज़ बोलूँ, कुछ लोगों का मैंने देखा है, कुछ वीडियोस भी देखे हो, कुछ पर्सनल लाइफ में मैं लोग देखे हैं, वो बोलते हैं कि सिर्फ 10 मिनट आपको ये ब्लीच लगाना है. ऐसा नहीं होता कि आपको पर्टिकुलर 10 मिनट्स ही लगाना है. मैं आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं 25 मिनट्स मिनिमम है मेरे, 25 मैक्सिमम मैं 35 भी लगाती हूँ, और मैं लास्ट 7 ईयर्स से लगा रही हूँ. थोड़ा एक्टिवेटर चढ़ गया मुझे. मैं लास्ट 7 ईयर्स से लगा रही हूँ, मुझे आज तक मेरे स्किन पर कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है गाइज. तो ऐसा नहीं कि आप ज़्यादा लगाएंगे स्किन बर्न हो जाएगा. हाँ, एक चीज़ ज़रूर मानती है कि हर एक की स्किन का एक अपना
अलग से हिसाब होता है, लेकिन इन्होंने भी यहाँ लिखा हो अगर आपकी डार्कर स्किन टोन है तो आप 10 मिनट तक लगाएं, अगर आपकी वीटिश है घेमुआ रंग है तो 15 मिनट कम से कम आप लगाएं, और अगर आपकी फेयर टोन है बिल्कुल लाइक मेरा वीटिश है तो 15 बोल रहे हैं, लेकिन मैं ज़्यादा लगाती हूँ बिकॉज मेरे जो बाल हैं वो हार्ड हैं, वो जल्दी ब्राउन नहीं होते। उसके बाद ये बोल रहे हैं कि अगर आपका जो स्किन टोन है वो फेयर है देन आप 15 मिनट्स और मोर लगाएं। तो इनका भी ये मानना है द एग्जैक्ट टाइम रिक्वायर्ड फॉर ब्लीचिंग डिपेंड अपॉन योर स्किन टाइप विच कैन बी फिक्स्ड बाय द पर्सनल एक्सपीरियंस। इतनी अच्छी चीज़ उन्होंने लिखी हुई है सीरियसली कि जो आपका, अब मुझे पता है कि मेरे उसमें कितने टाइम पे चढ़ते हैं तो मैं आपको गाइस ये स्टार्टिंग में नहीं बता सकती, हो सकता है आपका 15 मिनट में चढ़ जाए, हो सकता है 20 मिनट में चढ़ जाए, तो एग्जैक्टली नहीं बता सकती कि आप 10 मिनट से ज़्यादा मत लगाना। ऐसा नहीं है ना कि आपने प्रोडक्ट लगाया उतार दिया उससे कुछ काम भी नहीं हुआ, तो आपकी स्किन टोन के अकॉर्डिंग आपको डिसाइड करना है। आपको अगर फर्स्ट टाइम कर रहे हैं एक बार या दो बार में आपको पता लग जाए कितने वक्त में आपके जो बाल हैं वो ब्राउन हो जाएंगे फेशियल हेयर्स। ओके, एंड इसमें बोल रहे हैं अगर आपको थोड़ी सी माइल्ड सी इरिटेशन हो तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है बिकॉज ये ब्लीचिंग है। ये बोल रहे हैं कि आपको ब्लीच जो है 2 से लेकर 3 हफ्ते में एक बार कर लेनी चाहिए, लेकिन मैं प्रेफर करती हूँ कि आप महीने में एक बार कीजिए। अपनी डेट नोट कर लीजिए कि आपने इतने वक्त में किया, उसके बाद एग्जैक्टली एक महीने बाद कर लिया कीजिए 1 मंथ में एक बार। ओके, तो लिखा है 5 घंटे तक कोई भी आपको सोप वगैरह यूज़ नहीं करना है। यस गाइस, कोई सोप कोई फेस वॉश कुछ नहीं यूज़ करना। एंड एक चीज़ और ये लिखी है कि अवॉइड कीजिए आप आवाज़ से क्या हो रहा है, ये बोल रही कि आप अवॉइड कीजिए सनलाइट में जाना ब्लीच के बाद। यस, तो मैं रिकमेंडेड करूँगी कभी भी डे टाइम में आप ब्लीच मत कीजिए, हमेशा इवनिंग में ही कीजिए जब आपने बाहर ना जाना हो, ताकि सारी रात आपको जब आप घर पे होंगे तो ईजिली ब्लीच प्रॉपरली वर्क होगा और आपको सनलाइट में जाने का कोई इशू भी नहीं रहेगा। डू नॉट नॉट अप्लाई वेरी क्लोज टू योर आईज, यस बिल्कुल भी क्लोज कैसे आसपास बिल्कुल इसे अप्लाई मत कीजिएगा, थोड़ा सा लाइक ये आप देख रहे इतना, ये जो हमारा डार्क सर्कल्स वाला एरिया होता है जहाँ पे, इससे बस यहाँ तक अप्लाई कीजिएगा, यहाँ अप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ पे कोई फेशियल हेयर्स नहीं होते। दूसरी बात ये बोल रहे हैं कि आप थोड़ा सा अगर आप फर्स्ट टाइम है तो बिल्कुल मैं भी ये चीज़ बोलूँगी, अगर आप फर्स्ट टाइम ब्लीच कर रहे हैं कभी कभी हमारी जो स्किन होती है वो बहुत ज़्यादा ओवर सेंसिटिव होती है गाइस, तो थोड़ा सा पैच टेस्ट कहाँ यहाँ पे मत कीजिएगा, यहाँ के फेशियल हेयर और यहाँ के फेशियल हेयर्स में फ़र्क होता है थोड़ा सा। सबसे पहले आपको पैच टेस्ट कहाँ करना है, यहाँ पे देख रहे हैं ये गर्दन, यहाँ पे आप लाइक 10 to 15 minutes के लिए लगा के देख लीजिए, अगर कोई इशू नहीं है आपको तो आप कर लीजिएगा। ये बात उन लोग लड़कियों के लिए बोल रही हूँ जिन्होंने लाइक जो भी 16 to 17 years की हैं, जिन्होंने ब्लीच करना स्टार्ट करना है, ठीक है। और एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगी लास्ट, कि कुछ लोग ये बोलते हैं कि 18 साल से पहले आप ब्लीच मत कीजिए, नहीं दिया ऐसा कुछ नहीं है, मैं यहाँ पर कोई गलत चीज़ प्रमोट नहीं कर रही, लेकिन कुछ लड़कियाँ होती हैं जिन्हें काफ़ी ज़्यादा फेशियल हेयर्स आ चुके होते हैं तो आप ब्लीच कर सकती हैं। हाँ एक बात बोल, लाइक जो 10th class में होती है लड़कियाँ वो कर लेती है, 10th से नीचे वाले मत कीजिए बिकॉज आपकी स्किन काफ़ी ज़्यादा, लाइक आप 8th 9th में स्टार्ट मत कीजिए क्योंकि तब आप थोड़े बच्चे भी होते हैं और अगर आपके बाल है भी तो भी इतने बुरे नहीं लगते, तब भी इतना गंदा नहीं लगता, सब कुछ ठीक लगता है। लेकिन जैसे आप 10th+1 में हो चुके हैं और अगर आपको लगता है कि आपको रिक्वायरमेंट है ब्लीच की तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं, लेकिन जस्ट ओनली वंस इन अ मंथ, इससे ज़्यादा मत कीजिएगा गाइस, वो आपकी स्किन के लिए हार्मफुल है क्योंकि आखिरकार है तो केमिकल ही जो हम अपनी स्किन पे यूज़ कर रहे हैं। इसका रिजल्ट, इसका एक्सपीरियंस, कैसा ग्लो आता है ये आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। आई होप कि आपने मेरा ये ऑनेस्ट रिव्यू एंड जो मैंने आपके साथ कुछ नॉर्मल सी बातें शेयर की हैं आपको अच्छी लगी हो। अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा है तो सबसे पहले प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा एंड साथ में उसके बेल आइकन है सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन है गाइस उसे जरूर दबाएगा ताकि आने वाले सभी वीडियोस के लिए नोटिफाइड रहें। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है इस प्रोडक्ट रिलेटेड तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, और भी अगर आपकी कोई रिक्वेस्ट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं डेफिनेटली रिप्लाई जरूर करूँगी। बाय गाइस, नेक्स्ट वीडियो।